आज ऑटो एक्सपो में एमजी कंपनी ने हेक्टर का फेसली मॉडल ऑफिशियली लॉन्च किया है, यानी इस कार के प्राइजेस आउट हो चुके हैं और इस कार के अलावा दो न्यू कारों को एमजी कंपनी ने ऑटो एक्सपो में रिवील भी कर दिया है। अगर मैं हेक्टर के फेसली मॉडल के प्राइजेस की बात करूं तो इस कार का बेस मॉडल स्टार्ट होगा 14,73,000 रुपीज से और टॉप मॉडल 22,21,000 रुपीज तक चला जाता है। यहाँ पर हेक्टर के और हेक्टर प्लस के प्राइजेस मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा, आप वीडियो को पॉज कर सभी वेरियंट के प्राइजेस यहाँ पर पढ़ सकते हैं। लेकिन एमजी कंपनी ने हेक्टर के अलावा एक न्यू इलेक्ट्रिक हैचबैक कार को रिवील कर दिया है जिसका नाम है MG4। इस MG4 इलेक्ट्रिक कार के अंदर आपको दो बैटरी बैकअप का ऑप्शन मिलेगा। आपको 51 किलोवाट और बैटरी बैकअप का ऑप्शन मिलेगा जिसके तहत ये कार लगभग 350 किलोमीटर तक की रेंज देगी। इसके अलावा 64 किलोवाट और बैटरी बैकअप के साथ ये कार लगभग 450 किलोमीटर तक की आपको रेंज देने वाली है। तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी रेंज मिलेगी और इसके 51 किलोवाट और बैटरी वाले मॉडल के साथ आपको लगभग 170 bhp की पावर आउटपुट मिलेगी, यानी जितनी पावर आउटपुट टाटा की हैरियर प्रोड्यूस करती है उतनी ही पावर आपको इसके 51 किलोवाट और बैटरी बैकअप के साथ मिलेगी। इसके अलावा इसके 64 किलोवाट और बैटरी बैकअप के साथ आपको 203 bhp की पावर आउटपुट मिल जाएगी, यानी टोयोटा फॉर्च्यूनर जितनी पावर आउटपुट आपको इसके टॉप मॉडल के अंदर मिल जाएगी। तो ये भी काफी ज्यादा बढ़िया बात है। लेकिन ये कार इंडियन मार्केट में लॉन्च होने के बाद डेफिनेटली तबाही सी मचा सकती है ईवी सेगमेंट के अंदर, क्योंकि इस कार का लुक काफी बेहतरीन है। इसका फ्रंट का फीचर आप देख सकते हैं, ये कार फ्रंट से दिखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। इस कार का रियर का फीचर भी दिखने में काफी बढ़िया है और इस कार के इंटीरियर में आपको अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। एमजी कंपनी ने इस कार के अंदर काफी एडवांस लेवल के फीचर्स को इंक्लूड किया है, जैसे कि आपको एडास टेक्नोलॉजी का ऑप्शन मिलेगा, 360 डिग्री कैमरा का ऑप्शन इस कार के अंदर ऑफर किया है, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स और ढेर सारे प्रीमियम फीचर्स आपको एमजी के इस इलेक्ट्रिक कार के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा एमजी कंपनी ने एक प्लग इन हाइब्रिड क्रॉसओवर एसयूवी कार को भी अनवील कर दिया है जिसका नाम है EHS। स्क्रीन के ऊपर इस कार के फ्रंट का फीचर आप देख सकते हैं, हालांकि इस कार का फ्रंट का लुक आपको काफी ज्यादा MG ZS EV जैसा ही देखने को मिल जाएगा, लेकिन इन रियलिटी ये कार MG ZS EV के मुकाबले थोड़ी सी बड़ी रहने वाली है, क्योंकि इस कार के डायमेंशंस आउट हो चुके हैं। इस कार की लेंथ रखी गई है 4574 mm की, इस कार की विड्थ है 1876 mm की और इस कार की हाइट है 1664 mm की। तो यहाँ पर ये कार काफी बड़ी रहने वाली है एज कम्पेयर टू MG ZS EV, यानी ये कार एमजी हेक्टर के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। उस साइज की ये हाइब्रिड कार होने वाली है। ये कार दिखने में काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है, लेकिन इस कार के अंदर आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का ऑप्शन मिल जाएगा। और एमजी कंपनी ने इस कार के अंदर 1.5 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया हुआ है और इसका इंजन और इसका इलेक्ट्रिक मोटर कंबाइंड में 250 bhp की पावर आउटपुट प्रोड्यूस कर लेता है। तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी पावर आउटपुट मिलेगी इलेक्ट्रिक मोटर और पेट्रोल इंजन के द्वारा। तो एमजी कंपनी की तरफ से इन तीन इलेक्ट्रिक कारों को ऑटो एक्सपो में पेश किया गया है। इसके अलावा बहुत सारी कारों को लॉन्च भी किया जाएगा। तो ये सेकंड वीडियो था ऑटो एक्सपो का, और भी कारें लॉन्च होने वाली है ऑटो एक्सपो में, उनके वीडियोस मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है।